भौजी भौजी साहब आ गए, साहब आ गए, भौजी साहब आ गए। अरुण भैया, यार अरुण, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। ना मैं उस रामजादे के पास पैसे लेकर जाता और ना बात यहाँ तक बढ़ती। वो तुमको लूज बॉल डालने से पहले ही सोचना चाहिए था ना कि पिटाई हो जाएगी। चंदू शट अप। ओ परजाई, ये चंदू ठीक कह रहा है। नहीं करतार, तुमने ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की। दरअसल वो आदमी बहुत चालाक है, उसने जानबूझकर मुझसे ऐसी बातें कही ताकि गुस्से में आकर मैं उस पर हाथ उठाऊं। जानबूझकर वो मार खाता रहा ताकि वो कानून से बच जाए और मैं कानून के पंजे में आ जाऊं। वो आदमी कानून को बहुत अच्छी तरह समझता है और इसी का फायदा उठा रहा। यार अरुण, हम एक काम करते हैं, क्योंकि वो हमको पहचानता है इसलिए हम किराए के गुंडे लेके उसके हाथ पैर तोड़वा देते हैं। सारा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा और काम ही खत्म। नहीं करतार, हमें किसी भी कीमत पर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपकी बार लगता है किसी खिलाड़ी से नहीं बल्कि अंपायर से पाला पड़ गया है, जो सबको LBW देकर आउट कर देना चाहता है। लेकिन बेटा, ये चंदू भी किसी से कम नहीं है, तुझे पिच पर आने नहीं देगा। ये देख, क्रिकेट बोर्ड की तरह स्ट्रॉन्ग। अब मैं देखता हूं तू अंदर कैसे घुसता है, दरवाजे पे ही खत्म हो जाएगा। जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ओम भू। हेलो। बहुत खुश नसीब हो तुम जो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी और बहन मिल गई। दुष्यंत, शरीफों को मत ललकारो। अगर शरीफ नंगे पन पर उतर आता है तो हम जैसों को कपड़े पहनने पड़ते हैं, है ना? क्या फर्क पड़ता है, पहन लेंगे। हाँ, जब कपड़े की बात आई गई तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, तुम्हारी बहन जो सफेद नाइटी पहनकर सोई है ना, उसे देखकर किसी भी साले का दिल मचल जाएगा। सेक्सी, वेरी सेक्सी। वो हरामजादा पूजा के कमरे में। कोई आया था यहां? नहीं तो। चंदू, उस तरफ के दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दिए ना? जी साहब जी। हाँ?
मुझे भी नींद नहीं आ रही थी सर, इसलिए मैं इसमें कितने बॉल है सर? छह। यानी पूरा एक ओवर, एक बार में पूरा फेंक सकते हैं? हाँ सर, बॉल जरा टिका कर मारना और छह के छह बॉल विकेट पर ही मारना, ताकि एक ही ओवर में मैच खत्म हो जाए। इस दुष्यंत ने सबका जीना मुश्किल कर दिया सर। न कोई ठीक से खा सकता है, न पी सकता है, न कोई चैन से सो सकता है सर। इसने इस घर को नरक बना दिया है सर, नरक बना दिया। बहुत वड्डी गल हो गई, बहुत वड्डी गल हो गई अरुण। वो हराम दा बीच साडे कार दे अंदर तक आ गया। अरुण ए बोलूं करना की है? वो ऐसी चालें चल रहा है कि हम कानून का सहारा ले ही नहीं सकते। तुम ठीक कह रहे थे करतार, हमें कानून को अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। ए होई ना गल, हुन चक देंगे फट्टे।